आईपीएल में फिक्सिंग होती कैसे? 2013 में हुआ क्या था? स्पॉट और मैच फिक्सिंग में क्या डिफरेंस है? और तो इसके अलावा एक और फिक्सिंग का जरिया और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी रिसेंटली सिराज भाई को पैसे दिए थे भाई, कौन बताएगा? ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि भाई मैं तो हैदराबाद से हूँ ना, सिराज भाई भी हैदराबाद से। भाई आईपीएल स्टार्ट होता 2008 में और मतलब सभी लोग पागल हो चुके थे, क्योंकि भाई सबको अपने स्टेट को आगे लगाना था। बैंगलोर वाले बोल रहे थे बैंगलोर को आगे लगाओ, हैदराबाद वाले भी बैंगलोर को आगे लगाने के लिए बोल रहे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स आरसीबी तो एंड तक ना। बट 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो भाई इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उस टाइम पे ऑलरेडी जहां देखो वहां हर न्यूज में आईपीएल था। 2008 में आईपीएल ने अपना नाम कमाया था, बट 2013 में उसका नाम फिर से बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बट एक चीज को लेके, वो है फिक्सिंग के लिए। तो बेसिकली 2013 में आईपीएल मैच फिक्स करने के लिए तीन प्लेयर्स को पकड़ा जाता है, अजीत चंदेला, अंकित चौहान और श्रीशांत जी। इन तीनों को स्पॉट फिक्सिंग के लिए पकड़ा गया था। बेसिकली स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में काफी डिफरेंस होता है। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब काफी तक या तो उसको ओवर फिक्स होता है, फिर एक बॉल फिक्स या फिर कैच आउट वाला फिक्स होता है, बट मैच फिक्सिंग में पूरा मैच फिक्स होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैच फिक्सिंग ज्यादा टफ है स्पॉट फिक्सिंग को लेकर। मैच फिक्सिंग में अगर आपको प्लेइंग 11 को बुक करना है या फिर पूरी टीम को, बट स्पॉट फिक्सिंग में आप सिर्फ एक प्लेयर को खरीदोगे आप, और आप काफी ज्यादा पैसा कमाओगे और उसके एक्शन पे आपको पैसे मिलेंगे। तो ये तीनों प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे, बट फिक्सिंग करने का प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा रहता है। जैसे कोई हर एक बॉल पे चीज डिसाइड करी जाती है, अगर जैसे कि मैं बोलूंगा कोई इस बॉल पे अगर वाइड डालना है तो वो बॉलर जान बुझ के वाइड बॉल डालेगा, जिस वजह से जिसको उसने बुक करा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो भाई इस टाइम तक काफी हद तक प्लेयर्स डर जाते हैं और सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, अगर आईपीएल है तो फिक्सिंग है। बट इस पे मेन क्वेश्चन आता है कि प्लेयर एक्चुअली फिक्सिंग करते क्यों है। सबसे पहला और सिंपल रीजन है पैसा, क्योंकि ऑफकोर्स भाई अगर आपको अपनी फीस से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो यूजुअली इट इज अ ह्यूमन नेचर के काफी लोग अट्रैक्ट होके वो चीज कर लेते हैं। और दूसरा चीज यूजुअली होता है कि काफी ऐसी चीजें होती है जैसे मूवीज में दिखाया गया है, काफी हद तक प्लेयर्स को ब्लैकमेल करा जाता है जिस वजह से वो फिक्सिंग कर ले। बट यूजुअली 2013 के बाद काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी और बीसीसीआई ने काफी ज्यादा ध्यान दिया था कि कोई फिक्सिंग ना हो। बट एग्जैक्टली 2 साल बाद 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन करा जाता है फिक्सिंग के लिए। बट इसका रीजन काफी हद तक डिफरेंट था, क्योंकि इसके अंदर के प्लेयर्स ने किसी ने फिक्सिंग नहीं करी थी, इनके प्लेयर्स और जो बाकी सब मैनेजमेंट होता है उन सब लोगों ने फिक्सिंग करी थी, जिस वजह से इन दोनों टीम को 2 साल तक बाहर रखा गया था। और तो ऐसा भी बोला जाता है कि सीएसके के ओनर को भी पता नहीं था कि उनके मैनेजमेंट टीम फिक्स कर रही है। बट आईपीएल का रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, तो बिजली फिक्सिंग में तीन लोगों को पकड़ा गया था, बिंदु दारा सिंह फिक्सिंग करते हुए, गुरुनाथ महिपन जो कि सीएसके से, और राज कुंद्रा जो कि आरआर से। बट ये काफी हद तक सीन इसीलिए करा गया था कि आगे जाके कोई ऐसी आईपीएल मैनेजमेंट टीम या फिर आईपीएल टीम ऐसा ना गलती कर पाए, इसलिए भाई इनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए सीएसके और आरआर को बैन करा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये 2015 के सीन के बाद काफी हद तक चीजें टाइट हो चुकी थी भाई, ये लोग भी काफी टफ हो गया था भाई, किसी प्लेयर को फिक्स नहीं कर सकते थे ना ही किसी टीम को, तो इनको भी काफी दिक्कत होने लगी। बट एग्जैक्टली उन्होंने कुछ नया जरिया ढूंढा, यूजुअली हमारे टीवी जो स्कोर बताते हैं वो एक बॉल के बाद का बताते हैं, एक बॉल का पहला ऑलरेडी स्टेडियम में हो जाता है। तो बेसिकली सीन होता है बुकीज का, एक बंदा स्टेडियम में बैठता है, वो बुकीज को बोलता है कि इस बॉल पे ये हुआ है, और वो बुकी उस बॉल पे पैसे लगाता है जिस वजह से उसको पैसे मिलते हैं। और उस टाइम तो काफी कम लोग को पता था कि ऐसे भी होता है, वरना सबको लगता था भाई लाइव हो रहा है मैच। बट 2019 में भाई ऑलमोस्ट 7 से 8 लोगों को पकड़ा जाता है स्टेडियम के अंदर 14 फोन्स के साथ। बेसिकली वो बॉल पे फिक्स कर रहे थे क्योंकि पहले बॉल पता चल जा रहा था, और इन 7 ऑडियंस के बंदों को जेल में डालना पड़ा। बट मेन क्वेश्चन आता है कि भाई अब फिक्सिंग होती है या नहीं होती, कौन बताएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो फिक्स नहीं करता ना भाई। अगर हम न्यूज़ के हिसाब से देखें तो अभी तक एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं है कि फिक्सिंग वाली। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो आजकल के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं अपने स्पोर्ट्स को लेके, अपने स्ट्रगल को लेके, और अपने मैच को, अपनी चीज़ों को लेके, जिस वजह से भाई काफ़ी कम लोग हैं जो कि फिक्सिंग करते हैं। और भाई ऑफकोर्स बीसीसीआई एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है, तो ऑफकोर्स भाई जो सैलरी वाली भी होती है काफ़ी तक सेटिस्फाइबल होती है सभी प्लेयर्स के लिए। इसका वन ऑफ द बेस्ट और रिसेंट एग्जाम्पल मोहम्मद सिराज ही है भाई, वो चाहते तो वो शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, बट भाई काफ़ी हद तक वो जैसे उनके स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है कि उस हिसाब से उन्होंने इंडिया टीम के लिए खेला। और इसी चीज़ों को फिक्स करने के लिए बीसीसीआई ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले लिए, जिस वजह से फिक्सिंग कम हो चुकी है। जैसे कि हर टीम के साथ एक एंटी करप्शन टीम का मेंबर होगा, जिसको पता लग जाएगा फिक्सिंग हो रही है तो भाई वो बता देगा। जैसे कि सभी प्लेयर्स का एक ड्रेसिंग रूम होता है भाई, उसमें प्लेयर्स के अलावा कोई नहीं जा पाएगा। जैसे कि पहले रिश्तेदार कोई जा सकते थे, बट अब कोई नहीं जा सकता। स्टेडियम के अंदर किसी भी प्लेयर को फोन ले जाना अलाउड नहीं, मैच की ट्रेनिंग के पहले से लेके मैच एंड होने के बाद ही फोन मिलेगा इनको। वैसे भी फोन से क्या ही करना है भाई, अगर इनकेस लड़ाई वाला सीन हो जाए विराट भाई और गौतम भाई जैसा, तो फोन काम आता है कि हाँ भाई लोंडो को बुला लो भाई, हो गए। बट मेन चीज की भाई आईपीएल से सीख क्या सकते हैं हम, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कि बाउंड्रीज भाई स्टेट्स को डिवाइड करती है बट इमोशंस को नहीं करती डिवाइड। इसलिए तो भाई आरसीबी का सबसे बड़ा फैन हैदराबाद का है बट रहता दिल्ली में।
दूसरा, अगर कंपटीशन में आपका ओपोनेंट आपका दोस्त हो ना हो, चाहे उसके लिए आप कितना भी कर लो, बट कंपटीशन तो कंपटीशन होता है ना। बट जैसे स्टेडियम में घुसते हैं मैच के लिए, धोनी भाई सिर्फ मैच पे फोकस रखते हैं। और एक और चीज भाई, हम इतने सालों से देखते आ रहे, काफी शोज आए काफी शोज गए, बट स्टिल एक आईपीएल ऐसा एक चीज है जो अभी भी पूरी फैमिली को साथ में बैठ के देखने को मजबूर करता है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखते हो, उनसे बातचीत करते हो कि तुमने देखा स्कोर देखा भाई, आरसीबी हार जाए तो मेरे दोस्त मेरे को मैसेज करते हैं। बट भाई देख रहे हो ना कि ये कनेक्शन जो आईपीएल बिल्ड करता है सबके लिए, तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद तारक में तो सब लोग देखना बंद कर दिए होंगे, शायद अन्नपूर्णा देखना बंद कर दिए, बट काफी से शो जो देखना बंद कर दिया, फिर खुद बंद हो चुके होंगे। बट ये कैसा शो बोल लो, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है, ये किसी ने देखना बंद नहीं करा भाई। इसका रीजन सिंपल है कि इस इवेंट में भाई इमोशन से खेला जा रहा है। वो दो साल जब चेन्नई सुपर किंग बैन हुई थी तो भाई चेन्नई के फैंस को काफी ज्यादा दुख हुआ था, और मैं पूरा फील कर सकता हूँ। मैं उसके बाद भी दो साल बाद जिन्होंने कमबैक करा था वो सही में रियल कमबैक था, इसलिए उनके प्रैक्टिस मैच में पूरी ऑडियंस भर गई थी। तो ये इमोशन इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ला सकता है, और आईपीएल ने इमोशन को बहुत ही अच्छे से यूज किया था, तो भाई ये चीज हम सिंपल सीख सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज भाई, 2013 में आईपीएल को काफी ज्यादा डाउन फेस हुआ कि भाई साफी लोग फिक्स कर रहे थे, बट उसके बाद इन्होंने भाई काफी सारी चीजें फिक्स करी और फिर आईपीएल उठा, और अभी रिसेंटली 2017-18 में उसके पीक पे था। तो भाई हाँ, ऑफकोर्स अगर डाउनफॉल आता है तो उसके ऊपर भी तो आएगा, कि डाउनफॉल आता ही अब जाने के लिए ना। और ऑफकोर्स भाई आईपीएल तो एक फेस्टिवल है ना, बिना टीम्स और फैंस के हो ही नहीं सकता फेस्टिवल। टीम अकेली खेल के नहीं होता फेस्टिवल, फैंस अकेले के फेस्टिवल नहीं होता, तो दोनों मिलकर ही तो भाई ये फेस्टिवल मनाते हैं, और पूरा इंडिया इस फेस्टिवल को काफी ज्यादा मजे करता है। और ऑफकोर्स भाई फिक्सिंग का नाम देके इस इवेंट को गलत नहीं बताते भाई, काफी अच्छा इवेंट है और काफी बड़े बड़े बोर्ड इसको फिक्स करने का ट्राई भी कर रहे हैं, और होपफुली अगले 5 साल में शायद भाई काफी सब कुछ ठीक भी हो जाए। ये एक त्यौहार है और हम सब लोग इसको काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। वैसे आप बताना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, बट जीतेगी कौन? ऑफकोर्स आरसीबी जीतेगी, और मैं आरसीबी का फैन हूँ। बाकी हम आपको अंदर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, इस अलग अपन दे होपफुली अगले 10 साल में काफी तक पूरा ही फिक्स हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ गली क्रिकेट में फिक्सिंग करता हूँ। एक कप चाय के लिए तो कोई भी फिक्सिंग कर सकता है। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ड्रीम 11। और भाई ये वीडियो काफी दूर दूर तक किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, ये मेरे को लगा था कि काफी अच्छा